हे गाइस नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर मैं बताती हूँ यहाँ का वेदर कैसा हो रहा है। भाई वेदर अच्छा नहीं हो रहा और कौवा अभी भी काव काव कर रहा है, देखिए ऊपर बैठा, तो लग रहा है कोई आने वाला है। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सीन है आज का। सुबह का सीन बता दूँ, यहाँ पे कौवा काव काव कर रहा है। गाड़ी चार्जिंग पे है तो हटा देते हैं। ओहो, तो ये हो गई चार्जिंग पूरी। और मौसम की जानकारी दे दे तो मौसम कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आप देख सकते हैं। और कौवा काव काव क्यों कर रहा है ये तो कौवा ही बताएगा, क्योंकि कौवा आजकल हमारी छत में बहुत काव 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 कर रहा है, मतलब लोगों की छत पे करता रहता है और हमारे पेड़ पे हमेशा इसी पेड़ पे बैठता है, पता नहीं काय काय क्यों करता है। फिलहाल मौसम बहुत ही खराब है। अब करते हैं आज का दिन शुरू, बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया जय माता दी और शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं मेरे मुंह पे कितना बड़ा दाना हो गया है, और दाना इस वजह से हुआ है, एक सेकेंड, ये पीछे जो इरिटेटिंग आवाज आ रही है ना, ये नित्या ने कुछ चेंज कर दिया इसमें, और आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। इसमें हमेशा जब भी मैं टर्न लेती हूँ इसमें सेंटा क्लॉज की उसकी आवाज आती है, सेंटा क्लॉज का उसने कुछ म्यूजिक लगाया तो उसकी आवाज आती है। फिलहाल आपको बता दूं कि पिंपल क्यों हो गया, पिंपल इसलिए हो गया क्योंकि जो मैं मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया, वो मुझे ऐसा हो गया, मेरी स्किन पूरी सेंसिटिव बहुत है, दैट इज वाई, इसीलिए मुझे मेकअप लगाना ज्यादा पसंद नहीं। आई एम लाइक डन विद दिस नॉइज, सो इरिटेटिंग। गाइस अभी आ गई हूँ मैं अपने ब्रेक में, इवन दो इट्स रेनिंग, बट मैंने कहा कि नहीं भाई अगर 10,000 स्टेप्स करने हैं तो करने हैं, और 10,000 स्टेप्स करने का ये मतलब नहीं है कि भाई बस पतले होने के लिए, बट मैंने कहीं पढ़ा है कि 10,000 स्टेप्स मेक्स यू हेल्दी, आपको कई तरीके की बीमारियों से बचाते हैं, आपको हार्ट की बीमारियों से बचाते हैं और जो भी कई तरीके की बीमारियाँ होती है, मैंने पढ़ा है, बीमारियाँ याद नहीं है बट हम बचाते ज़रूर हैं, इतना याद रखिएगा। तो आप भी कोशिश करिए, दिन में 10,000 स्टेप्स लीजिए, कोशिश करिए 2,000 से शुरू करिए, 4,000 से करिए, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। आपको चीज़ दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे कैसे रोड साफ करते हैं, देखिए तो जो कूड़ा उठा देती है रोड में अगर कुछ है तो, यहाँ पे है नहीं बट अगर आप देखिए तो वो देखिए, ऐसा ट्रक है जो पूरी रोड साफ कर रहे हैं। इस तरह से अमेरिका में काम होता है मशीनों से। मैंने आपको पहले भी एक मशीन दिखाई थी जिससे कि जहाँ पे घास काट रहे थे, और आज दूसरी मशीन दिखा रही हूँ जिससे लोग यहाँ पे सड़कें साफ करते हैं। तो यहाँ पे मशीनों से काम होते हैं, चाहे वो घर हो चाहे सड़क हो चाहे बाहर हो, आपका आधा काम मशीनें कर देती हैं। मैं घर आ गई हूँ, चेंज वगैरह कर लिया, और आज अच्छी खबर ये है क्योंकि मैं स्कूल से आते बहुत लेट हो गई, क्योंकि मुझे स्कूल में आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है इस वजह से। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पति ने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया ना, वेरी थैंकफुल, क्योंकि यार मैं सच बता रही हूँ मुझे ना हीरो में खुशी ना मुझे गोल्ड में खुशी, मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं, जब घर आके आपको खाना मिल जाता है ना काम के बाद, आई थिंक बेस्ट टाइम होता है, और साथ में चाय। तो दिस इज़ माय लंच, छोले हैं, चावल हैं, चटनी, प्याज और ये चाय, और ये बोर्ड मचाइएगा, नित्या का बोर्ड है, गंदा हो रहा है क्योंकि उसने पेंटिंग की थी। फिलहाल आई एम गोइंग टू इन्जॉय दिस एंड ट्रस्ट मी, बाहर बारिश वाला वेदर और घर में बना हुआ खाना दुनिया में जन्नत से कम नहीं है। तो फिलहाल हम एंजॉय करते हैं और यहाँ से हम तकलीफ करते हैं, और हम आपसे मिलेंगे थोड़ी ही देर में। तो भाई शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं थोड़ा सा काम कर रही थी आपको दिखा के। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कपड़े धो दिए। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, आइए आपको लेके चलते हैं घर गृहस्थी, यहाँ भी हमने सफाई कर दी है। तो चलिए अब आते हैं हम किचन की तरफ, किचन में क्या क्या है आपको दिखा देते हैं। किचन में हमने सब्जी अभी मंगाई है, मेरे पति देके गए क्योंकि थोड़ा सामान नहीं था, और आज हमारा प्लान है पनीर और ब्रोकली के पराठे बनाएंगे, क्योंकि जो मैंने आज तक नहीं बनाया, मैंने कभी पनीर पड़ी आलू ये सब के बनाए, बट आज हम बनाएंगे पनीर और ब्रोकली मिक्स करके, बहुत हेल्दी होंगे। तो और ये मैंने मंगाया है कुछ नया चीज़, लेट्स सी ये कितना वर्क करता है। ये है आटा गूंदने के लिए, अभी मैंने बस बैग खोला ही है अमेजोन का, और इसको मैं पहली बार देख रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इससे क्या होता है कि हाथ ना गंदे होते हैं, मशीन कोई चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है जो मुझे दिखाया गया, और लेट्स सी ये कैसा, अगर ये अच्छा हुआ तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप भी इसको ऑर्डर करो, और इससे आटा गूंदो या फिर कुछ भी डो वगैरह बनाना हो तो इट्स वेरी यूजफुल। एज ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जिन्होंने यूज किया वो कह रहे हैं, जब तक मैं यूज नहीं करूंगी तब तक मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल मैं इसको यूज करने जा रही हूँ और अभी आपको थोड़ी देर में इसका रिजल्ट बताते हैं कि कैसा है। इसमें मैं कसने वाली हूँ, और मैंने देखा कि लोग इजी काम करने के लिए इसमें मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड करके उसमें मिक्स कर देते हैं, तो वो इजी रहता है, और थोड़ी हरी मिर्ची और अदरक हम अलग से डालेंगे। तो फिलहाल पहले मैं इसको धो लेती हूँ अच्छे से, और उसको भी धो लेती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें सारी जो ब्रोकली मैंने वॉश कर ली अच्छे से, इसको कट करके इसमें डाल रहे हैं, सारी हम इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे, एंड कितने अच्छे से सारा वो जा रहा है।
अब हमने इसको निकाल लिया. व्हाट आई एम गोना डू इज करेंगे ये जो मैंने निकाला है इसको अब हम इसमें मिक्स कर देंगे. तो इसको अच्छे से इसमें डालेंगे. तो ये देखिए आप, ये कुछ ऐसा सा मिक्सचर हो जाएगा पनीर और इसका. अब इसमें हम मसाले डालेंगे और थोड़ी हरी मिर्ची और अदरक वगैरह. तो जो नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और मैं थोड़ा सा डोंट नाइक बट थोड़ा सा गरम मसाला तो मैं डाल देती हूँ. और ऑफ कोर्स थोड़ी सी अजवाइन, बहुत थोड़ा सा डाला मैंने पिंच क्योंकि शायद मुझे आदत है सब चीज़ों में डालने की. तो ये सब मैंने डाला है. अब इसमें हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, लाल मिर्ची की जगह मैं थोड़ा डालने वाली हूँ इसमें ये चिली फ्लेक्स. ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा देख सकते हो ये वाला. एंड अच्छे से इसको अब मिक्स करेंगे. इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची एक और थोड़ा सा अदरक डालेंगे. हरा धनिया मेरे पास ख़त्म हो चुका है, नहीं तो वो ऐड करना था. तो ये पूरा बन जाएगा ऐसे. अब इसी मिक्सी में हम थोड़ा सा अदरक और मिर्ची डाल के इसको पीस देंगे. वेस्ट नहीं करना है कुछ भी. तो अब हम इसको हरी मिर्ची ये देखिए अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी हम इसमें मिक्स कर देंगे. बस आई थिंक मुझे हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रही है तो बस इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर रख देंगे और आटा गूंद लेते हैं तब तक. फिर आपसे आप देख सकते हो इसको मैंने वॉश कर लिया. ये रहा मेरा आटा. अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करते हैं और इसके साथ यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है. तो इसमें दिखा रहे थे मैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे हाथ से, बट इसमें दिखा रहे थे कि आप इसके साथ आटा बहुत अच्छे से गूंद सकते हैं और अभी तक तो ठीक लग रहा है. लेट्स सी. तो गाइस अभी तक का मैं आपको इसका रिव्यू बताऊं अगर आपको दिखाऊं, ये मुझे 0/0 लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. रीज़न आपको दिखाती हूं क्योंकि ये आटा जो है ये देखिए इसमें बार बार फंस रहा है. इतना तो हम अगर हाथ धो के अच्छे सफाई से कर लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा. मैं जितने में तो मैं आटा गूंद देती हूँ जितनी देर में ये इसमें फंस रहा है और मुझे निकालना पड़ रहा है ये देखिए. तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ही ठीक चीज़ नहीं है खरीदने के लिए, पैसे बर्बाद करने के लिए. तो मैं हमेशा चीज़ों को ट्राई करती हूँ, अगर मैं देखती हूँ ट्रेंडिंग में है, नहीं होती तो भैया ये तो अमेजोन में हो जाएगी वापस. और वापस करनी भी चाहिए क्योंकि ये नहीं कि हमने ले लिया तो बस इसको रखे रहो, पैसे खराब नहीं करने होते. बड़े मेहनत से कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके पैसे आते हैं. तो इसको हम वापस करेंगे. और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कुछ लेने का तो कृपया करके मेरा मानिएगा तो बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि मेरी वजह से, मेरी तरफ से इसको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेंगे. तो दिस इज अ बिग नो फॉर माई साइड. सो डोंट ट्राई टू डू दिस, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा. मैं ये गलतियां करती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी पर आपको नहीं करनी, इसलिए मेरी वीडियो देखिए. ये बहुत ही बेकार चीज़ है. तो फिलहाल टिया हंस रही है क्योंकि टिया को पता है कि मैं हर चीज़ मंगाती हूँ और ट्राई करती हूँ बट ये चीज़ वापस जाएगी, आप लोग मत मंगाइएगा. तो फिलहाल मैं आटा आटा कर लेती हूँ, इससे जल्दी मैं हाथ से कर लूंगी और फिर मिलते हैं. तो गाइस देख लीजिए जो मैंने आपको मिक्सचर दिखाया था मैंने ये भर दिया है. अब इसको हम बेलेंगे. ऑलरेडी मैंने एक बेल के रख दिया है तो, और ये देखिए ये ऑलरेडी मैंने एक बेला हुआ है. मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको बेल दिया ऐसे, ये मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि इसको भर के अब हम क्या करेंगे. मैं आपको पराठे बनाना सिखाती हूँ, मुझे खुद भी अच्छे नहीं आते, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी. इसके बाद हम इसको इस तवे पे डाल देंगे, ठीक है. और किसी ने एक मिनट इधर दिखाना, कुछ पके पके बन जाएगा. सुनिए इधर दिखाओ, किसी ने मुझे बोला था कि मैम आपके पराठे गोल नहीं बन रहे. देखिए मेरे पराठे बन रहे हैं, क्या कम है, गोल बने और क्या करें. इंसान के पेट में जाके सब एक जैसे ही हो जाते हैं. तो ये जो लोग कहते हैं ना गोल पराठा, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये गलत गलत फहमी है. पेट में जाके क्या गोल पता लगता है या चौकोर पता लगता है. तो जो आपसे बन पाए वो बनाइए और खुशी खुशी प्यार से खिलाइए, वो जरूरी है. ये नहीं है कि भाई कई बार गुस्से से भी खिलाया जाता है जब आदमी उसको नहीं करता. बता दो इस तरह से भाई सब बेइज्जती ना हो मेरी, रिकॉर्डिंग पे हो, कोई बात नहीं. पराठा चिपक गया तो मैं क्या कहूँ, मेरी कोई गलती. मैं सच्चाई दिखा रही हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट औरत की तरह दिखाऊंगी. भाई देखिए एकदम परफेक्ट पराठे बने, जो फट गया वो फट गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं. मेरे बस का थोड़ी, मैं खा सकती हूँ बस ये है, कोई नहीं खाएगा तो मैं खा लूंगी. खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, पराठा का जो भी. मेरा पति ऐसा है यार, पता नहीं मैं क्या बताऊं. तुम अभी तो आपको दिखाएंगे कि वो गोल ही गोल बना रहे हो और एकदम भरा. मैं इसने चुटकुला सुनाया, शिल्पा ने कल मुझे ना एक चुटकुला सुनाया, मैं बताऊंगा एक दिन. पराठे की शक्ल पे मत जाना, मेरी भावनाओं पे जाना. पराठा फट गया है तो क्या, वो मेरी भावनाएं अच्छी है. पर दूसरा पराठा अच्छा बनाया मैंने, देखो गोल बनाया. क्या सुना रहे हो, जोक सुना क्या, ये एक जोक सुनाने जा रहे हैं क्या. टिया को फिर सुन लेना, टिया को ले. टिया सुनो पापा कुछ कह रहे हैं. मम्मा ने मुझे बिजनेस आइडिया बताया आफ्टर 5 इयर्स.
what she gonna do? Can Nitu go to college too? Should I tell you? She want to make food and sell. She doesn't like making food for us. क्या तुम लोग कैसे हो यार, ये लोग जाओ यहाँ से. मैंने इनको बोला कि मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, खाने पीने का, आलू पूरी का. बट अगर ये पराठा देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं खाना जरूरी नहीं है कि अच्छा दुनिया में सब अच्छा खाना बनाएंगे तो जो हम जैसे वो खा जाएंगे. मैं ऐसा लगा कोमल, इनको बहुत अच्छा लगा और टिया से पूछ रही, टिया यहाँ रख दे बेटा. खाता खाने का बिजनेस कर सकती हूँ ना खाने में. टेलिंग यू ये इतना हेल्दी पराठा है ना, मतलब घी तेल हटाओ, घी भी बहुत अच्छी चीज है पर ये हेल्दी है. चलिए फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय और अपना दूसरा पराठा. देखो ये देखिए ये वाला पराठा बिल्कुल अच्छा बन गया सीधा. और यहाँ दूसरा भी आई थिंक, ये इनको मैं क्रेडिट देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से कर रहे हैं. नहीं सही में मैं झूठ क्यों बोलूँ, तुम अच्छे से कर रहे हो, तुम अच्छे से करते हो. इसलिए ये इनका पता है क्या हाल है, इन्होंने एक बार पराठे बनाए थे वो पिक्चर की तरह नहीं होता, अगर उसने बोला कि नमक को ऐसे तिड़ा करके डालना ही, तो ये बिल्कुल तिड़ा करके ही डालेंगे. तो ये देखो कितनी सफाई से कर रहे हैं. मेरा काम थोड़ा जल्दी का होता है पर पराठे सही में बताऊँ तो बहुत टेस्टी बने. आप लोग बहुत ट्राई करना राइट, सच में इसमें कुछ नहीं है पर ये बहुत अच्छे हैं और टिया को बहुत पसंद आया, आप लोग भी ट्राई करें. तो गाइस खाना वगैरह खा के हम आ गए थे ऊपर और अब हम थोड़ा टीवी देखते हैं और इस व्लॉग को बस मैं यहीं तक रखती हूँ क्योंकि आई हैव टू स्लीप नाउ एंड आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो. तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. अगर कोई ये व्लॉग इतना भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी, अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सी यू.